साथियों नमस्कार। आजकल आप सभी साथी देखते हैं कि मौसम में परिवर्तन हो रहा है। मौसम में जैसे जैसे परिवर्तन होता है तो बकरियों के अंदर शरीर के ऊपर बाहर से जो लगने वाले परजीवी है या जिसे एक्टोपैरासाइट कहते हैं, इनका अटैक बढ़ जाता है, जिसके अंदर आप सब ने मुख्यतः देखा होगा कि मच्छर, मक्खी या चीचड़ या जूं जिसे बोलते हैं, इनका प्रकोप इस सीज़न के अंदर बकरियों पे सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से बकरियां इरिटेट होती रहती है, बकरियां प्रॉपर चारा दाना अच्छे से नहीं खा पाती या बकरी कमज़ोर हो जाती है। या कई बार आपने ये भी देखा होगा कि गाभिन बकरी है और ज़्यादा पैरासाइट लोड की वजह से वो बच्चा तक गिरा देती है। तो इतने खतरनाक जो पैरासाइट्स हैं, जो बाहरी परजीवी हैं, उनका नियंत्रण अपन कैसे करें, नियंत्रण की देसी ऐसी कौन सी विधि है जिसको अपन काम में ले सकते हैं, और केमिकल के द्वारा या रसायन के द्वारा किस तरह से इससे अपन परजीवियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो भेड़ एवं बकरियों के लिए या भेड़ एवं बकरी पालन करने वाले जो किसान भाई हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत शानदार है। और डेयरी फार्मिंग के अंदर भी, गाय भैंसों के अंदर भी सेम परजीवी होते हैं, तो उन पर भी इस तरह का उपयोग है वो किया जा सकता है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि परजीवी कहते किसे हैं, क्योंकि अपने को बेसिक थोड़ा सा पता होना चाहिए। वे जीव जो दूसरे जीवों पे अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं उन्हें अपन परजीवी कहते हैं। यानी ये जीव गाय पे, भैंस पे, भेड़ पे, बकरी पे निर्भर रहते हैं, उसी से ये खून के द्वारा भोजन बनाते हैं। गाय की चमड़ी पे या भैंस की चमड़ी पे या बकरी की या भेड़ की चमड़ी पे ये परजीवी है वो पाए जाते हैं। ये धीरे धीरे पशु को कमज़ोर कर देते हैं, पशु दुबला पतला हो जाता है, और बहुत ज़्यादा परजीवियों का लोड होने की वजह से एनीमिया जैसी खतरनाक बीमारी भी बकरियों के अंदर या भेड़ों के अंदर हो सकती है। परजीवी मुख्य अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे चीचड़ जिसे बोलते हैं, यानी टिक्स जिसे कहते हैं, क्लिनिया जिसे कहते हैं, लाइस यानी जिसे जूं कहते हैं, बहुत बारीक होती है, अपने को बहुत ध्यान से देखने से पता चल पाता है। ऐसे ही माइट्स यानी मेंज जिसे बोलते हैं, खाज खुजली जो भेड़े एवं बकरियों के या गाय भैंसों के अंदर हो जाती है वो माइट्स की वजह से हो रही है। और फ्लाइज यानी मक्खियाँ, क्योंकि मक्खियों का प्रकोप भी इस सीज़न के अंदर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पशु बहुत आज के समय में लगभग सभी भेड़ पालक और बकरी पालक इसकी वजह से परेशानी के अंदर हैं। तो सबसे पहले अपन बेसिकली बात करें चीचड़ यानी जिसे टिक्स कहते हैं या जिसे क्लिनिया कहते हैं। तो आप इस स्लाइड के अंदर देख पा रहे हैं कि इस तरह से चीचड़ भेड़ के या बकरी की बालों के बीच में, ऊन के बीच में, उसके पूंछ के नीचे या उसके अडर पे, उसके अयन पे या जहाँ पे भी थोड़ी सी चमड़ी इकट्ठी रहती है वहीं पे चीचड़ है वो लग जाते हैं। बाकी बॉडी के किसी भी भाग पे बेसिकली लग सकते हैं। और ख़ासकर जो आजकल लंबे कानों की बकरियों का क्रेज जो ज़्यादा है, तो उनके कानों के बीच के अंदर भी जहाँ पे थोड़ा सा चीचड़ को स्पेस मिल जाएगा वहीं पे चीचड़ लग जाता है, और धीरे धीरे करते 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 कान के अंदर छेद भी कर सकता है। तो चीचड़ का इलाज करना, उसका नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और चीचड़ की सबसे खास बात मैं आपको बता दूं, जो टिक्स है इसकी सबसे खास बात यह है कि आपने यदि पशु पे दवाई लगाई है या पशु को इंजेक्शन लगाया है तो ये चीचड़ वहाँ से उतर के और अपने फार्म के अंदर अपनी जो दीवारें हैं या जो मिट्टी है उसके अंदर चले जाते हैं, और बिना कुछ खाए पिए या बिना किसी भोजन के ये लगभग एक साल तक यानी 10 से 11 महीने तक ये जीवित रह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपन ने केवल बकरी के दवाई लगा दिया तो उससे चीचड़ ख़त्म हो जाएंगे। जब अपन उसका कंट्रोल करते हैं तो कंप्लीट अपने को फार्म के अंदर भी और बकरी के या पशु के शरीर पे, दोनों पे अपने को लगाना होता है। अपन आगे इसमें बात करेंगे कि कौन सी दवा लगानी है, कैसे लगानी है, और अपन यदि स्प्रे करते हैं तो कौन सा तरीका काम में लेना है। ऐसे ही यदि अपन टिक्स के बाद में, चीचड़ के बाद में जूं की, यानी आप सब ने अपन बकरियों के अंदर या गाय भैंसों में भी देखते हैं कि बालों के अंदर इतने छोटे छोटे जीव हैं जो अपन बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते हैं तो अपने को पता चल पाता है। ये पशु के चमड़ी को काटने का भी काम करते हैं और ये चूसने का भी काम करते हैं, तो इसकी वजह से भी पशु कमज़ोर हो जाता है और धीरे धीरे पशु के अंदर दुबलापन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये पशु के अंदर
जो भोजन खाने से, भोजन जब पशु लेता है, जो एनर्जी बनती है उससे जो ब्लड बनता है उसी ब्लड को ये चूसते जाते हैं, तो पशु धीरे धीरे करते करते कमज़ोर हो जाता है। और बकरियों के अंदर, और क्योंकि बकरियों में यदि पशुपालक या बकरी पालक बालों की कटाई नहीं करता और बालों के अंदर ये छिपे हुए रहते हैं, तो अपने को बाहर से पता भी नहीं चल पाता। तो इस सीज़न में अपनी बकरी के पास में जा करके उसके बालों को अच्छी तरह से देखना है, और ख़ास करके जो अगले पैरों का जो एरिया होता है, कंधे का, गर्दन का जो एरिया बकरी का होता है, उसी क्षेत्र के अंदर ये जुएं सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो अपने को अपनी बकरियों के अंदर ये चीज़ मॉनिटरिंग करनी चाहिए। माइट्स, माइट्स यानी खुजली आप लोगों ने अपनी बकरियों के अंदर या अपनी भेड़ों के अंदर या अपने अन्य पशुओं के अंदर देखा होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक फ़ोटो में आपको पैर के खुजली के निशान दिखाई दे रहे हैं, दूसरी फ़ोटो में आपको बकरी के आँख पे खुजली के निशान दिखाई दे रहे हैं, जबकि तीसरी फ़ोटो के अंदर आपको बकरी के चेहरे के ऊपर जो खाज के निशान है, खुजली के निशान है, वो दिखाई दे रहे हैं। ये माइट्स की वजह से होते हैं। और माइट्स क्या करती है, जो दूसरे पैरासाइट होते हैं वो तो चमड़ी के बाहर रहते हैं, माइट्स जो चमड़ी की ऊपर की परत है उसमें छेद करके अंदर घुस जाते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, अपने को सामान्यतः देखने से दिखाई नहीं देते, ये माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देते हैं। जब इसको डॉक्टर या वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप में चमड़ी का पार्ट लेकर के देखता है तो ये दिखाई दे पाते हैं। तो ये इतने हानिकारक होते हैं, अपने को सीधा पता नहीं चल पाता, और धीरे 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 पशु के शरीर में ये बढ़ते जाते हैं और उस जगह पे चकता होकर के और वहाँ पे खुजली पशु के आने लग जाती है। जैसे जैसे पशु खुजलाएगा एक दूसरे पशु से या किसी दीवार से या किसी पेड़ से, तो उस जगह पर घाव होने लग जाएगा। तो ये माइट्स भी बकरियों के अंदर या भेड़ों के अंदर बहुत खतरनाक है। ऐसे ही फ्लाइज यानी मक्खियाँ, आप लोग अभी देख पा रहे हैं कि बकरियों के अंदर अलग अलग तरह की या पशुओं के अंदर अलग अलग तरह की मक्खियाँ हैं। कई ऐसी मक्खियाँ जिसे नोज फ्लाई बोलते हैं, गाय के या भैंस के या भेड़ के या बकरी के मुंह के चारों तरफ घूमती रहती है, जैसे ही उसको टाइम मिलता है वो बकरी के नोज के अंदर इंटर कर जाती है, नाक के अंदर इंटर कर जाती है, और फिर आप देखते हैं कि बकरी के नाक से खून भी निकलने लग जाता है। या ऐसी मक्खियाँ जो बाहर से काटती है, जैसे आप इस फोटोग्राफ्स के अंदर बच्चे की गर्दन पर देख रहे हैं कि अपने को खून के निशान दिखाई दे रहे हैं, ये सब मक्खियों के काटने की वजह से होता है। ऐसे ही मैंने नोज फ्लाई के केस में बताया, आप इधर दूसरी फोटोग्राफ्स के अंदर देख पा रहे हैं कि नोज फ्लाई की वजह से उसके नाक के ऊपर है वो अपने को मटेरियल जमा हुआ दिखाई दे रहा है। मक्खियों का जो जीवन चक्र है वो अपने आसपास का जो गंदा कचरा होता है, पानी होता है, उसी के अंदर उसका जीवन यापन है वो पूरा का पूरा करती है। उसकी लाइफ के अंदर 5 से 6 जिसमें पहले अंडा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर आगे से आगे उसकी प्रोसेस चलती है और फिर एडल्ट मक्खी बन जाती है। तो अपन जब कंट्रोल नहीं करेंगे, अपन यदि नियंत्रण नहीं करेंगे, तो अपने आसपास में मक्खियों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो अपने पशुओं के लिए हानिकारक हो सकती है। तो बाह्य जो परजीवी हैं, बेसिकली तो मैंने साथ ही साथ में चर्चाएं की है लक्षण की, पर यदि पर्टिकुलर पशु के शरीर पे आ गए तो उसके लक्षण किस तरह से होंगे, इस पे यदि अपन बात करें तो सबसे पहले तो पशु शरीर से कमज़ोर होने लग जाएगा, दुबला पतला होने लग जाएगा, शरीर भार के अंदर कमी आ जाएगी, पशु ग्रोथ नहीं कर पाएगा। दूसरा अपन बात करें जैसे माइट्स के केस के अंदर या लाइस के केस के अंदर, तो उस केस में बाल गिरने लग जाते हैं, पशु के शरीर से बाल गिरने लग जाएंगे और अपने को चकते दिखाई देने लग जाते हैं। तीसरे केस के अंदर दाद, खाज, खुजली जिसे अपन बोलते हैं, पशु दीवार से या किसी जाली से या किसी एंगल से या दूसरे बकरियों के पास में जाकर के खाज करने लग जाता है, या जो चीचड़ हैं या जो माइट्स हैं या जो लाइस है उसके केस में आपने ये भी देखा होगा कि बकरी अपनी गर्दन को पीछे करके अपनी गर्दन से अपने दांतों से उस जगह को खुजलाती है। तो अपन जहाँ पे जाकर के बकरी का देखते हैं फार्म के अंदर, तो जगह जगह शरीर पे अपने को गिले गिले चकते टाइप दिखाई देते हैं वो खुजलाने की वजह से, और वो जब पैरासाइट होंगे तभी बकरी इस तरह से बार बार खुजलाएगी। फिर यदि अपन नोज फ्लाई का केस है तो उस केस के अंदर पशु के नाक के ऊपर अपन देखेंगे तो हो सकता है उसके अंदर खून के धब्बे या खून के दाग अपने को दिखाई दे, और ज़्यादा पैरासाइट का लोड है तो अब देखा गया है कि भेड़ या बकरियां बच्चे तक भी गिरा सकती है, यानी गर्भपात भी ज़्यादा पैरासाइट्स की वजह से हो सकता है। तो इनसे अपने को आर्थिक बहुत ज़्यादा नुकसान है वो होता है। अब यदि इनके परजीवियों का यानी एक्टोपैरासाइट का कंट्रोल कैसे किया जाए, इनका नियंत्रण कैसे किया जाए, ये सबसे ज़्यादा अपने लिए इम्पोर्टेंट है।
कंट्रोल के अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें अपन कुछ घरेलू तरीकों की बात करेंगे, कुछ मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस की बात करेंगे, और साथ ही साथ में अपन जो केमिकल तरीके हैं, जो दवाई के माध्यम से या जो इंजेक्शन के माध्यम से अपन पैरासाइट का कंट्रोल करते हैं, उस पर अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले घरेलू तरीके में बात करें, अपने को अपने फार्म के आसपास में या पूरे फार्म में साफ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक 3 महीने बाद अपने को अपने फार्म में नीचे जो बेडिंग मटेरियल था, जो मिट्टी थी, उसको 4 इंच तक की मिट्टी को बदल देना चाहिए। पुरानी मिट्टी को हटा करके और वहाँ पे नई मिट्टी डाल देनी चाहिए, क्योंकि उस मिट्टी के अंदर जो एक्सटर्नल पैरासाइट हैं उनके अंडे बन जाते हैं, वो नीचे जा कर के चीचड़ लाइस जो भी है वो ज़मीन में जा कर के अंडे देती है, और उन अंडों से फिर धीरे 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 उनके अंदर वो बच्चे पैदा उसके हो जाते हैं। तो प्रत्येक 3 से 4 महीने बाद अपने को अपने फार्म की मिट्टी को बदल देना है, अपने को साफ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखना है। पशु के बालों की, भेड़ के केस में अपन बालों की ऊन की 2 बार कटाई करते हैं, जबकि बकरी के केस में भी अपने को साल में 1 बार आराम से कटिंग यानी कर देनी चाहिए, शियरिंग अपने को कर देनी चाहिए। गर्मी के समय में बकरी को या भेड़ को प्रत्येक 1 से 2 महीने के अंतराल से अपने को नहला देना चाहिए। नहलाने के अंदर आप डिपिंग भी कर सकते हैं, डिपिंग का मतलब किसी भी केमिकल के सॉल्यूशन के अंदर भेड़ या बकरी को डिप कर सकते हैं, या अपन नॉर्मल सादे पानी से भी नहला सकते हैं। फिर अपन जो छिड़काव कर सकते हैं, छिड़काव के अंदर जो अपने ट्रेडिशनल तरीके हैं वो बहुत ज़्यादा अपने लिए उपयोगी हैं। जैसे पहला तरीके की यदि मैं बात करूं, उसके अंदर नीम की पत्तियां अपन ले सकते हैं, सफ़ेदा यानी नीलगिरी जिसे कहते हैं, यूकेलिप्टिस जिसे कहते हैं, तो उसकी पत्तियां और नीम की पत्तियों को मिला करके अपन एक अर्क बना लेंगे, काढ़ा जिसे कहते हैं। लगभग 5 लीटर पानी के अंदर 0.5 किलोग्राम अपन नीम की पत्तियाँ डालेंगे, 0.5 किलोग्राम अपन सफ़ेदा यानी नीलगिरी की पत्तियाँ डालेंगे, और जब वो पानी बॉयल होते होते 2 लीटर बच जाए तो उस पानी को 20 लीटर पानी के अंदर मिला करके और अपनी बकरियों के शरीर के ऊपर भी इसका स्प्रे कर सकते हैं, और अपन पूरे फार्म के अंदर इसका स्प्रे कर सकते हैं, जिसकी वजह से तमाम जो पैरासाइट हैं, चाहे मच्छर है, चाहे मक्खी है, या चीचड़ है, लाइस है, सब इससे कंट्रोल में रहते हैं। दूसरा जो अपना तरीका है फिनाइल का, फिनाइल प्लस अपन डीजल या मिट्टी के तेल को मिला करके और उसे पानी में मिला करके यदि अपन फार्म में छिटकते हैं। फिनाइल और मिट्टी का तेल ज्वलनशील है, तो यदि इसे अपन काम में लें तो थोड़ी सी अपने को सावधानी रखनी चाहिए। ये बकरी के शरीर पे नहीं लगाना है, इसे अपन अपने फार्म में अपने आसपास के क्षेत्र के अंदर जहाँ पानी इकट्ठा हो रखा है, या अपना जो फर्श है उस पर, या अपनी दीवारों पर इसे अपन छिटक सकते हैं। तो लगभग 20 ml फिनाइल और 10 ml मिट्टी का तेल लेकर के 1 लीटर पानी के अंदर मिला करके और इसे अपनी जो सरफेस है उस पर पानी को अपन छिटकेंगे या स्प्रिंकलर से या फुहारे से, तो वहाँ पे जो भी पैरासाइट्स थे वो इससे ख़त्म हो जाएंगे। पैरासाइट का कंट्रोल करने का एक सबसे अच्छा तरीका फायर भी है। आजकल अलग अलग आग के अलग अलग इक्विपमेंट काम में आते हैं, उनको अपन काम में ले सकते हैं। दीवारों के या जो दीवारों के अंदर छोटी छोटी जो लाइनें बनी हुई हैं उनके अंदर पैरासाइट चले जाते हैं, तो वहाँ पे अपन आग का फुहारा जो होता है उससे भी ख़त्म कर सकते हैं। अपन धुआं करके भी इन पैरासाइट का कंट्रोल कर सकते हैं, जो अपनी सबसे पुरानी और सबसे अच्छी विधि है। शाम के समय में अपन नीम की पत्तियों का और सफ़ेदे की जो पत्तियां होती है उसमें 1 या 2 टिकियां अपन कपूर की डाल करके आग पे या किसी तपेले के अंदर डाल करके अपन धुआं कर सकते हैं। अपना जो गर्म तवा होता है उस पर अपन रख करके धुआं कर सकते हैं। धुआं हवा के डायरेक्शन के अनुसार अपने को करना चाहिए। मच्छरों के कंट्रोल के लिए और मक्खियों के कंट्रोल के लिए धुआं करना है वो सबसे प्रभावी तरीका है, और ये अपने बुजुर्ग भी हमेशा से ये चीज़ें करते आए हैं। यदि अपन मेडिकल नियंत्रण की बात करें या केमिकल नियंत्रण की या केमिकल कंट्रोल की बात करें, तो उसके अंदर भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जिसमें डिपिंग बोलते हैं, डस्टिंग बोलते हैं, स्प्रेइंग बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। तो यानी इनके माध्यम से भी, डिपिंग का मतलब पानी के अंदर अपना जो केमिकल काम में लेते हैं भेड़ एवं बकरियों के एक्सटर्नल पैरासाइट कंट्रोल के लिए, जिसमें साइपरमेथ्रिन काम में ले सकते हैं, फ्लूमेथ्रिन काम में ले सकते हैं, एमिट्राज काम में ले सकते हैं, तो वो पानी में मिला करके और भेड़ या बकरी की गर्दन को पकड़ के बाकी पूरे शरीर को अपन पानी में डिप करें, ताकि पूरा सॉल्यूशन उसकी बॉडी पे लग जाए।
केवल कान आँख और मुँह जो है वो बच जाए, उसे अपन बाहर रखते हैं। तो इसका फायदा ये है कि पूरे के पूरे बॉडी के ऊपर अच्छे से जो सॉल्यूशन है वो लग जाता है। ये जो काम है डिपिंग का, कभी भी एक्स्ट्रा प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं करना चाहिए, यानी जो तुरंत भेड़िया बकरी ब्याने वाली है उसको अपने को छोड़ देना चाहिए, उस केस में नहीं करना चाहिए, बिल्कुल छोटे बच्चे में नहीं करना चाहिए, बारिश के समय इससे अपने को बचना चाहिए, या बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है उस समय अपने को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय आप अचानक से पानी से और तेज़ धूप के अंदर पशु को ले जाओगे तो गर्म सर्द होने के चांसेज उस केस के अंदर ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद में डस्टिंग, डस्टिंग के अंदर आप सब लोगों को पता है कि मिथाइल पैराथियन जो दवा आती है, नॉर्मल अपन सब लोग घरों में काम में लेते हैं कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए भी, उसका एक भाग मात्रा अपन 3 भाग छनी हुई राख, जो अपने घर में चूल्हे की हारे की जो राख होती है कंडे वाली, उसके अंदर मिला करके और पशु की बॉडी के ऊपर यदि अपन पूरे शरीर पे या जहाँ जहाँ पैरासाइट हैं वहाँ वहाँ अपन लगा देंगे, तो इससे भी पैरासाइट कंट्रोल के अंदर बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। तो ये भी आप कर सकते हैं। और यदि आपके फार्म में बिल्कुल छोटे बच्चे नहीं है तो इसको आप नीचे भुरकाने के लिए काम में भी ले सकते हैं, पर फार्म में जब छोटे बच्चे होते हैं तो इससे थोड़ा सा अपने को बचना चाहिए, नीचे डालने से बचना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों की आदत होती है नीचे जो भी मिला उसको चाट लेते हैं, और इसके अंदर यदि अपना जो केमिकल है वो उस केस के अंदर उन्हें नुकसान कर सकता है। अपन स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रे के लिए अलग अलग तरह के अलग अलग साल्ट आते हैं जिसे एमिट्राज कहते हैं, जिसे सेफ माना जाता है। एमिट्राज साल्ट को यदि बाई चांस बकरी लिकिंग कर जाती है या चाट लेती है या बकरी का बच्चा मुंह लगा देता है तो भी उसका कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। बाकी डेल्टा मेथ्रीन है, परमेथ्रीन है, साइपरमेथ्रीन है, अलग अलग सॉल्यूशन आते हैं, अलग अलग दवाएं आती हैं, उन्हें अपन पानी के अंदर मिला करके और किसी भी स्प्रे से, आप ये छोटा सा स्प्रेयर, छोटा सा फुहारा मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं, इस तरह से आप बकरी के शरीर पे, बालों पे आप लगा सकते हैं। बड़ा जो स्प्रेयर आता है अपन बेसिकली जो खेत के अंदर काम में लेते हैं फसल पी के ऊपर स्प्रे करने के लिए, उसको भी आप काम में ले सकते हैं। लगभग 1 से 2% सॉल्यूशन बना करके, यदि उसकी कंसंट्रेशन कम है तो अपने को 2% सॉल्यूशन काम में लेना है, और दवा के अंदर केमिकल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो अपने को 1% सॉल्यूशन काम में लेना है। सो अपने को स्प्रे करने से पहले उसके ऊपर जो लिखा गया है, लेबलिंग जो की गई है, उसको पढ़ लेना जरूरी होता है, उसके बाद अपन स्प्रे कर सकते हैं। जब भी अपन पशु के शरीर पे स्प्रे करते हैं तो आँख, कान और नाक को हमेशा बचा देना चाहिए, और यदि किसी पशु के शरीर पे घाव है, किसी पशु के शरीर पे बाहर से कोई घाव है तो उस पशु को छोड़ देना चाहिए, या उसके घाव वाले भाग को स्प्रे करने से बचा देना चाहिए। एक आप परमेथ्रिन की साबुन भी आती है, अपन जैसे शुभ काम में लेते हैं साबुन काम में लेते हैं नहाने के लिए, इसी तरह से पैरासाइट कंट्रोल के लिए साबुन भी आती है, उसे भी आप भेड़ बकरी पालक काम में ले सकते हो। साबुन में क्या करना है कि नॉर्मल पानी से बकरी को या भेड़ को या बच्चे को गीला किया और उसके शरीर पे साबुन लगा करके छोड़ दिया। 15 से 20 मिनट आप साबुन लगा करके छोड़ेंगे तो उससे जो भी उसके शरीर पे पैरासाइट है वो मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद में आप उस पशु को या उस बकरी को साफ पानी से नहला सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और मैंने आपको साथ ही साथ में बताया कि ना केवल बकरी के शरीर पे अपने को दवा लगानी जरूरी है, उसके साथ साथ जब भी आप बकरी के शरीर पे दवा लगाएं तो उस समय आपके फार्म पे, आपकी दीवारों पे, आपके फर्श पे भी अपने को स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक जो साथ में सबसे प्रभावी इलाज है, इन दवाओं को लगाने के अलावा इंजेक्शन के रूप में भी काम में ले सकते हैं, आइवरमेक्टिन। आप सब लोगों ने नाम सुना है आइवरमेक्टिन जो साल्ट है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग नाम से, अलग अलग ट्रेड नाम से मार्केट के अंदर मिलता है। कहीं पे आप हाईटेक कह सकते हैं, कहीं पे आईवीमैक के काम नाम से आता है, किसी कंपनी का कुछ नाम से, किसी कंपनी का कुछ नाम से आता है। तो आइवरमेक्टिन को आप काम में ले सकते हैं। आइवरमेक्टिन यदि आप लगाएंगे तो उसके कुछ समय तक जो चीचड़ है, जो माइट्स हैं, जो लाइस है, वो कंट्रोल में रहेंगे, पर जो मच्छर और मक्खी वाला केस है वो उससे कंट्रोल में नहीं रह पाता। एक जो डोरामेक्टिन इंजेक्शन है, डोरामेक्टिन जो साल्ट है वो भी अलग अलग नाम से, ट्रेड नेम से आ सकता है, पर डोरामेक्टिन आइवरमेक्टिन की तुलना में ज़्यादा हैवी डोज है। डोरामेक्टिन लगाने के बाद में 3 महीने तक आपको
कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और माइट्स के केस में, खुजली के केस में, जब बकरियों में या भेड़ों के अंदर चकते हो जाते हैं, खुजली हो जाती है, तो उस केस के अंदर आइवरमेक्टिन से ज़्यादा डोरामेक्टिन है वो प्रभावी होता है, तो आप ये भी काम में ले सकते हैं। पर जब भी आप केमिकल काम में लें, उस समय आपको अपने नज़दीकी वेटनरी डॉक्टर की सहायता से इसको काम में लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेकर के अपने को काम में लेना चाहिए। और यदि आपको अनुभव है, आपको इस चीज़ का नॉलेज है, तो भी आप उसके ऊपर जो गाइडलाइन दी गई है उसको पढ़ने के बाद में ही काम में लें। कभी भी अपने को ये इंजेक्शन, चाहे आइवरमेक्टिन है या चाहे डोरामेक्टिन है, एक्स्ट्रा प्रेगनेंसी के समय नहीं लगाना चाहिए। यानी बकरी आपकी या भेड़ आपकी 10 से 15 दिन में ब्याने वाली है, उस समय नहीं लगाना चाहिए। या जब आपकी बकरी फर्स्ट 1 से 1.5 महीने का जो समय हुआ है, गैबिन हुए, यानी फर्स्ट 45 डेज पे भी अपने को बचना चाहिए, क्योंकि उस समय पशु की बॉडी के अंदर फिजिकली चेंजेज होते हैं। तो जब पशु थोड़ा सा इस तरह की, चाहे स्प्रे की बात करें या अपने इंजेक्शन की बात करें, थोड़ा सा पशु स्ट्रेस में आता है, तो प्रेगनेंसी के समय जब पशु स्ट्रेस में आता है, तो फिर उस केस के अंदर थोड़ा अपने को अदर इश्यूज हो सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर में, चाहे आप 2 बकरी का पालन कर रहे हैं, चाहे आप 100 बकरी का पालन कर रहे हैं, जो बाहरी परजीवी हैं, इनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। सबसे अच्छे अच्छे तरीकों की अपन ने बात की है, जिसके अंदर घरेलू नुस्खे, जिसके अंदर कुछ केमिकल नुस्खे अपन ने काम में ले सकते हैं, और ये सब नुस्खे प्रभावी नुस्खे हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार यूजफुल रहेगी, और आप बकरी पालन के अंदर या भेड़ पालन के अंदर अच्छा इस वीडियो के माध्यम से कुछ कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी साथी हमसे इसी तरह से जुड़े रहेंगे, और हम भी आपके लिए इस तरह से नए नए वीडियो आगे भविष्य में लेकर के आते रहेंगे। आप सभी किसान भाइयों का, आप सभी पशुपालकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आगे इसी तरह की नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद साथियों।